आज है 26th of September, मंडे है आज, बट आज भी स्कूल की छुट्टी थी। सो आज मैं जल्दी से निपटा रही हूँ काम अपने जो भी मुझे स्कूल का करना है, जैसे कि डे आफ्टर यस्टरडे है हमारी क्लास असेंबली एंड उसमें मुझे मिला है मेन रोल। स्किट में भी मेरा मेन रोल है, असेंबली में है, पूरे इसमें मेरा मेन रोल है, डांस में भी हूँ मैं, सब में हूँ। सो उसके लिए मुझे करना है अपना कॉस्ट्यूम रेडी। मैं बनी हूँ अर्थ। सो फर्स्ट हमें ऐसा शो करना है कि सब ने ह्यूमंस ने कितनी ज़्यादा गंदी करके रखे है अर्थ को, कौन कौन सी चीज़ों से, प्लास्टिक, थर्माकोल्स, पेपर्स। सो वो सब चीज़ें मैं अभी स्टिक करूँगी, स्टेपलर करूँगी अपने इतने ब्यूटीफुल से जो मेरी फ्रेंड ने दिए मुझे ये फ्रॉक उस पे, एंड फिर उससे देखते हैं और क्या होगा। बट मुझे अभी जल्दी से अपना कॉस्ट्यूम रेडी करना है, फिर उसके बाद ट्यूशन निकलना है। अभी 3:55 हो रहा है, मुझे 4-5 बजे निकल जाना है ट्यूशन के लिए। जल्दी से करते हैं रेडी, और मेरा कल का व्लॉग भी एडिट नहीं हुआ है मम्मी, इसके बाद ट्यूशन से आए बाद मैं वो एडिट करके फट से डालना है, मुझे अभी बहुत सारे काम है। देखो सबसे बहुत देर के बाद, मेरे ट्यूशन का टाइम हो गया था शाम में, तो मैं ट्यूशन चली गई थी एंड फिर अभी ट्यूशन से आई तो फिर मैंने डिनर करी एंड जस्ट अभी डिनर के बाद एकदम क्विक प्लान बनाए मूवी का। सो अभी टाइम हो रहा है 9:54 एंड 10:30 का हमारा शो है। सो जल्दी से रेडी होते एंड रेडी होने के बाद आप सबसे मिलते, फिर हम जाएंगे इम्प्रेस मॉल PVR। टिकट्स बुक कर लिए जस्ट अभी, मैंने और पापा ने बैठकर ऑनलाइन टिकट बुक कर लिए, जाएंगे और ब्रह्मास्त्र एंजॉय करेंगे। आप सबसे मिलती हूँ रेडी होने के बाद। अच्छा सो हो गए हम सब रेडी, नाइट शो है सो सिंपल सा रेडी हुई है, जस्ट मैंने ऐसी पोनी डाल ली हूँ और लिप बाम लगा ली हूँ। चलो अब जल्दी से चलते हैं ब्रह्मास्त्र एंजॉय करने, मेरा काफ़ी टाइम से इच्छा थी वैसे, कोई बात नहीं आज जा रहे। लेट हो गए तो ऐसी गड़बड़ी रहती, जल्दी जल्दी दौड़ रहे हैं बस। शुरू हो रही है, नहीं हुए लेट। Ladies and gentlemen, please stand for the national anthem. नहीं 3D मूवी है ना, तो लगाओ तो अच्छी लगती है। Thank you.
she replied. अच्छा 105 rupees per unit. Intermission हुआ है अभी. बिल्कुल. चलो तो कॉम्बो लिए हैं, पॉपकॉर्न है, पेप्सी, लॉटी चोको पाई, मेरा फेवरेट. आइए क्या ये माइक्रोवेव पॉपकॉर्न मिले, घर पे भी बना सकते हैं जो कि हम करते ही हैं. मैं फ़ोन बैग पे रख देती हूँ, ये लेके वहाँ पहुँचती हूँ, वहाँ मिलती हूँ आप सबसे. मज़ा आने वाला है. पूरा पार्किंग लॉट खाली हो गया है, सिर्फ कुछ कुछ गाड़ी है जो मूवीज़ देखने आए थे उनकी. The next day. Assalamualaikum friends, हो चुका है नेक्स्ट डे एंड अभी मैं स्कूल से आई 3 बजे. थोड़ी देर रेस्ट करी, आराम करी, फ्रेश हुई एंड अभी मैं रेडी हो गई हूँ ट्यूशन के लिए. 6 बज रहे हैं शाम के, जस्ट अभी मुझे ट्यूशन निकलना है एंड फिर ट्यूशन से आए बाद रेडी होना है, जाना है बर्थडे पार्टी में. अलिशबा जो मेरी फ्रेंड है उसका आज हैप्पी वाला बर्थडे है, सो दावत है उसकी, सो वहाँ भी जाना है. उसके लिए मैंने गिफ्ट भी ले ली हूँ. इसके अंदर है एक ब्लू कलर का बहुत ही प्यारा सा बैग, सो सिंपल सा क्लासिक बैग है, सो वो मैंने रैप कर ली हूँ एंड साइज में थोड़ा बड़ा है, सो अच्छा भी लगेगा. एंड फिर मैं सोच रही थी क्या दूँ. मैं बोली वॉच तो सभी लाएंगे, परफ्यूम्स वगैरह. फिर मैं सोची बैग सबसे अच्छा गिफ्ट, सबके यूज़ आता है, जैसे मेरे आता है तो उसके भी आता ही होगा, सो इसलिए मैंने ये ले ली हूँ. रैप भी हो गया, अब जल्दी से पापा को कॉल करती हूँ, बुलाती हूँ एंड निकलती हूँ ट्यूशन. आप सबसे मिलती हूँ ट्यूशन से आने के बाद. यू फ्रेंड्स, मैं ट्यूशन से पूरे बाल बिखरे हुए हैं, थकी भी हूँ, जस्ट अब भी फेस वॉश करी हूँ एंड अब जल्दी से क्विक एकदम 5 मिनट्स में रेडी होना है. आज मैं बोले जल्दी से रेडी हो, फिर उसके बाद मैं जाती हूँ बर्थडे पार्टी में और इन्जॉय करेंगे वहाँ पर. आप सबसे मिलती हूँ रेडी होने के बाद, अभी टाइम बहुत कम है. ठीक है. ए फ्यू मोमेंट्स लेटर. मैं हो चुकी हूँ रेडी एंड मैं 20 मिनट्स में रेडी हुई हूँ. ठीक है, अभी 55 हो रहा है, मैं 35 को रेडी होने गई थी. एंड देखो मैंने पहनी हुई है ब्लैक वाला अपना आउटफिट, बैग रख ली हूँ, अपना गिफ्ट भी रख ली हूँ एंड कैसी लग रही हूँ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना एंड डोंट फॉरगेट टू से माशाल्लाह 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 अल्लाह कुव्वत अल्लाह बिदायरी लजीम. आज मैं नीचे गाड़ी निकाल रहे, चलो अब जल्दी से चलते हैं हम. ठीक है, कैसी लग रही हूँ कॉमेंट में याद से बताना. ठीक है, चलो. सब शर्मीली परिया. बहुत सुस्त है, वो खेलती भी नहीं है, बड़े रहती है.
लग बहुत प्यारी रही थी लेकिन, और मधिया को लग रहा है डर। अभी वापस जा रही हूँ मैं घर, एंड स्टार्ट हो चुकी है बारिश, सो भीगते भीगते जा रही हूँ, ठंडी भी लग रही है। बहुत ज़्यादा मज़ा आया, आज घर पे आ गए, बारिश में भी भीगे, रास्ते में बारिश पड़ गई थी सो मेरे बाल सब गीले हो गई मैं, एंड फिर उसके बाद अभी मैं आई तो यहाँ पर मम्मी ने सफाई निकाले हुए थे पूरे रूम की, अभी ड्रॉर्स वगैरह जो भी करे सब सफाई कर, एंड अभी मैं जा रही हूँ सोने क्योंकि कल है मेरी क्लास असेंबली स्कूल में, सो मुझे स्कूल एकदम अर्ली मॉर्निंग सुबह पहुँचना है जल्दी जल्दी, सो उसके लिए जल्दी उठना भी पड़ेगा, जल्दी तैयारी भी करना है, सो मेरा फ्रॉक वगैरह सब रेडी है, उसके ऊपर जो जैकेट्स पहनना है, फिर मैं सोच रही हूँ सर उसके ऊपर प्लास्टिक्स वगैरह सब लगे हुए हैं, सो अच्छा नहीं लगेगा ना यहाँ स्कूल से, यहाँ से जाते वक्त थोड़ी शर्म भी आएंगी, सो मैं ऐसा सोच रही हूँ कि एक शॉल टाइप में ऐसा ओढ़ के जाऊँगी ताकि कोई हंसे भी ना, एन असम्बली के बाद तो हमें स्कूल यूनिफॉर्म पहननी है। सो फिलहाल अभी के लिए ये व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, आई होप आप सबको पसंद आया होगा, एंड रही बात कल के व्लॉग की, सो इंशाल्लाह मैं ज़रूर स्टार्ट करूँगी सुबह से, जब मैं उठूँगी मैं कोशिश करूँगी कि तभी कर लूँ क्योंकि सुबह उठूँगी तो गड़बड़ी में रहूँगी मुझे मालूम है, एंड अगर स्कूल में वीडियो शूट हो सका, अगर सर ने करे हमारा असेंबली वीडियो शूट तो मैं वो भी डालूँगी, ठीक है, बड़ा मज़ा आएगा, एंड बस जस्ट बी हैप्पी, बी हेल्पफुल, बी ऑनेस्ट, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, बाय, इंशाल्लाह ताला जल्द मिलेंगे कामयाब ब्लॉग के साथ, वीडियो को लाइक करिए एंड मेरे यूट्यूब चैनल अदीना नूर को सब्सक्राइब करिए।